हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय किचन। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी, बहुत ही चटपटा नाश्ता लेकर आई हूँ, जो हम गेहूं के बचे हुए आटे से बना के तैयार करेंगे। आप इसे टी टाइम स्नैक्स की तरह एंजॉय कर सकते हैं, या फिर आप इसे बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। और सबसे ख़ास बात यह है कि आप इसे 5 से 6 मिनट में बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं आज की इस मज़ेदार रेसिपी को। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने 4 उबले हुए आलू ले लिए हैं। सबसे पहले हम इन्हें फॉर्क की मदद से अच्छे से मैश कर लेंगे, चाहे तो आप इन्हें ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लीजिए। तो लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आलूओं को मैश कर लिया है, बहुत अच्छे से मैश हो गए हैं। और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज, साथ में ही डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और उसी के साथ डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ फ्रेश धनिया। और अब मसालों में हम डालेंगे थोड़ा सा सफ़ेद नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, साथ में ही थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, साथ में ही डालेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा और 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, और डालेंगे थोड़ी सी हींग, जिससे कि स्वाद बहुत अच्छा आएगा इसका। इन सभी को डालने के बाद आप अच्छे से इन्हें मिक्स कर लीजिए। तो हमारी एक तीखी चटपटी सी स्टफिंग बनके तैयार हो जाएगी। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये भी तैयार है, अब इसे रख देते हैं साइड में। तो यहाँ पे मैंने एक और दूसरा बोल ले लिया है, इसमें हम डालेंगे 1/2 कप गेहूँ का आटा, साथ में ही डाली है 1 चम्मच सूजी और थोड़ा सा नमक, साथ में ही थोड़े से चिली फ्लेक्स, और अब डालेंगे थोड़े से फ्रेश हरे धनिए के पत्ते। इनको डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और इसके बाद हम डालेंगे 1 चम्मच भर के सफ़ेद तिल, अगर आपके पास हो तो आप इन्हें ज़रूर डालें, वरना आप इसे स्किप कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इनका एक बैटर बना लेना है। बैटर बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, अब यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, जिससे कि हमारे नाश्ते का कलर बहुत अच्छा आएगा। अभी ये थोड़ा सा थिक है, तो थोड़ा सा पानी डाल के इसे एडजस्ट और कर लेंगे। तो देखिए, घोल भी हमारा लगभग तैयार है, और अब इसे भी हम साइड में रख देंगे। तो यहाँ पे अब मैंने लिया है लेफ़्ट ओवर आटा। आप इस रेसिपी को फ्रेश आटे से भी बना सकते हैं, लेफ़्ट ओवर आटे से भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे लेफ़्ट ओवर आटे का यूज़ किया है। तो इस तरह मैंने एक बोर्ड ले लिया है, और उस पे अब हम आटा निकाल लेंगे। तो इस आटे में मैंने थोड़ा सा ऐड किया है फ्रेश हरा धनिया, और साथ में ही डालेंगे थोड़ा सा नमक। अगर आपके आटे में पहले से नमक पड़ा है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। दोनों को डालने के बाद अच्छे से मसल लीजिए, और थोड़ा सा इसमें तेल लगा लीजिए, जिससे कि ये चिपके ना। और ऑयल लगाने के बाद इसे अच्छे से मसल लीजिए। तो लीजिए फ्रेंड्स, 1 से 2 मिनट में अच्छे से मसलने के बाद ये परफेक्ट बन के बिल्कुल तैयार है। तो अब हम चलते हैं आगे। तो यहाँ पे मैंने आटे के 2 पार्ट कर लिए हैं, बड़ी बड़ी 2 लोइयाँ बना ली हैं। इसी तरह आपको भी कर लेना है। बोर्ड के ऊपर थोड़ा सा हम सूखा आटा डस्ट करेंगे, और इसकी एक बड़ी सी रोटी बना के तैयार कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह थोड़ा थोड़ा सूखा आटा लगा के मैंने एक इसकी खूब बड़ी रोटी बना के तैयार कर ली है। अब हम इसको साइड से कट करेंगे। आप चाहें तो इसे गोल शेप में भी रख सकते हैं, पर मैंने इसकी चारों साइड कट करके इसे स्क्वायर शेप में कर लिया है। अब हमने जो आलू की स्टफिंग रखी थी वो इस पे लगा देंगे। तो यहाँ पे स्टफिंग आपको चारों तरफ खूब अच्छे से भर देनी है। उसके बाद हमें यहाँ पे टमाटो केचप और हरे धनिए की चटनी लगानी है। दोनों को डाल के अच्छे से इस पे स्प्रेड कर लीजिए। अगर आपके पास हरे धनिए की चटनी नहीं है तो आप यहाँ पे ग्रीन चिली सॉस का यूज़ भी कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह इन्हें अरेंज करने के बाद धीरे धीरे आपको पीछे से फोल्ड करते हुए इसे आगे तक फोल्ड कर लेना है। धीरे धीरे उठाइए और इसे आगे फोल्ड कर दीजिए। बहुत ही आसान तरह से ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो देखिए, इसके ऊपर अब थोड़ा सा सूखा आटा और डस्ट करेंगे,
और इसे थोड़ा सा लंबाई में बेल लेंगे, या फिर आप हाथों की मदद से ऐसे ही इसे सेट कर सकते हैं। उसके बाद एक चाकू लेंगे या फिर पिज़्ज़ा कटर की मदद से छोटे छोटे शेप इसके कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह ये बनके तैयार हो गए हैं और अब एक शेप को उठाएंगे और हाथों से फ्लैट कर देंगे। इसी तरह सभी नाश्ते को आपको बना के तैयार कर लेना है। तो बहुत आसानी से बन जाता है ये नाश्ता और खाने में बहुत अच्छा लगता है, साथ में ही बहुत हेल्दी भी है। तो लीजिए फ्रेंड्स, इस तरह सभी नाश्ते को हमने बना के कर लिया है तैयार। तो अब चलते हैं आगे की तरफ। हमने जो घोल बना के रखा था आटे वाला, उसे एक बार आप चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लीजिए और उसके बाद हम एक नाश्ते को उठाएंगे और इसमें अच्छे से डिप कर देंगे। तो देखिए, इस तरह चाहें तो आप चम्मच की मदद से डिप कर दें और चम्मच की मदद से आप इसे कढ़ाई में डाल सकते हैं। तो यहाँ पे गैस पे मैंने कुकिंग ऑयल पहले ही गर्म होने रख दिया था और जैसे ही वो अच्छा गर्म हो जाएगा तो एक नाश्ते को उठा के हम इसमें डाल देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको हाथ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, चम्मच से ही सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। चम्मच से ही उठाइए और चम्मच से ही डाल दीजिए और जब नीचे से हल्का क्रिस्प हो जाए, हल्का कलर सुनहरा हो जाए, तब आप इन्हें पलट दीजिए और दोनों साइड अच्छा कलर आने तक आप इन्हें फ्राई कर लीजिए। तो देखा आपने कितना अच्छा नाश्ता बनके तैयार हो गया हमारा, वो भी बचे हुए आटे से। तो दोस्तों, एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर बना के एंजॉय करें, सबको ये बहुत पसंद आने वाली है। तो लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ बातों बातों में हमारा नाश्ता बनके बिल्कुल तैयार है, बहुत अच्छा कलर आ गया है, साथ में ही बहुत क्रिस्पी बना है ये नाश्ता। तो चलिए फटाफट से अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। आप चाहें तो इन्हें टिश्यू पेपर पे निकालिए या फिर डायरेक्ट प्लेट में। तो लीजिए फ्रेंड्स, बनके हमारा तैयार है गेहूं का सुपर टेस्टी और सुपर हेल्दी नाश्ता। आप इस नाश्ते को बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं, ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं या फिर आप इन्हें टी टाइम स्नैक्स के रूप में भी सर्व कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, देखने में ही लग रहा है ना कितना ज़्यादा सुपर टेस्टी और सुपर क्रिस्पी बना है आज का ये नाश्ता। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की ये रेसिपी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर ज़रूर करें, साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो जल्दी मिलते हैं आपसे इसी तरह की नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।